Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज दे इस लेक्चर विच पैडागोगी ऑफ इंग्लिश नाल रिलेटेड MCQ बारे डिस्कस करांगे, जो कि आप लई बहुत ही हेल्पफुल होंगे. जो भी PSTET एंड CTET दी तैयारी कर रहे हैं, उन्हां लई ये टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे. शुरू करते हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हाँ. लर्निंग लैंग्वेज इज़ ए, लर्निंग लैंग्वेज इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसैस, इसका ए आंसर रहेगा. कि लैंग्वेज लर्निंग है वो एक हौली हौली चलन वाली प्रक्रिया है. नैक्सट देखते हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज ए ग्रेट डिटरेंट टू द लर्निंग इंग्लिश. डिटरेंट बैरियर जो रुकावट का काम करता है वो कि ये आंसर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम. क्योंकि ये सब तो ग्रेट बैरियर का काम करता है लर्निंग इंग्लिश लई. स्टेटमेंट ए ट्रू रहेगी. नैक्सट देखते हाँ, लैंग्वेज एक्वेशंस कैन बी ऑटोमैटिकली अटेन्ड. कि भाषा ग्रहण है ये ऑटोमैटिकली अटेन्ड होती है. ये किस स्टेटमेंट किस वाल फेवर करती है? एक कग्निटिविस्ट स्टेटमेंट वाल फेवर करती है. ज्ञान आत्मिक, कग्निटिविस्ट मीन्स ज्ञान आत्मिक. नैक्सट देखते हाँ, लैंग्वेज एक्वेशंस अकर्स ओनली वैन. जिहड़ा भाषा ग्रहण है कदों आउंदा? जदों द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज. जो चाइल्ड एक्सपोजर करता है टू द लैंग्वेज नूं, इसका सी आंसर राइट आंसर रहेगा. नैक्सट देखते हाँ, मदर टंग इनफ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर्स. डी इस द राइट आंसर रहेगा. नैक्सट देखते हाँ, ए चाइल्ड हैज़ टू यूज हाई ऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसैस सच एज ए इंटैलीजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप ऑफ लर्निंग. जो कोई भी चिल्ड्रन या बच्चा हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसैस जिस तरह इंटैलीजेंस या रीजनिंग यूज कर रहा है, वो किस टाइप की लर्निंग होगी? वो कंसैप्ट लर्निंग होगी. क्योंकि वो अपनी रीजनिंग या इंटैलीजेंस मेंटल प्रोसैस यूज़ कर रहा है, वो कंसैप्ट लर्निंग यूज़ करेगा. इसका सी राइट आंसर रहेगा. नैक्सट देखते हाँ, विच स्टेट विच इज़ द नोट ट्रू कंटैक्सट ऑफ द लैंग्वेज एंड एक्वेशंस. सीखण ते ग्रहण विच ये लिखा विच कि स्टेटमेंट सही नहीं है. स्टेटमेंट देखते हाँ, फस्ट एक्वेशंस इज़ ए नैचुरल प्रोसैस. किड़ा ग्रहण करना एक बिल्कुल प्रकृतिक प्रक्रिया है. ये इसका राइट ये भी कि बिल्कुल स्टेटमेंट राइट है. लर्निंग इज ए कॉन्टीन्यूस प्रोसैस. किड़ा सीखण है एक लगातार चलन वाली प्रक्रिया है. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है. थर्ड देखते हाँ, लर्निंग रिजल्ट इज ए सबजैक्ट प्रोपेंसी. इन्हें कहती साडे विच लर्निंग दे थ्रू या लर्निंग रिजल्ट साढ़े सब्जेक्ट जो साढ़े विषय में उस विच असी हुनर प्राप्त करते हाँ. डी इसका करैक्ट आंसर होएगा. क्योंकि लर्निंग हैल्प्स इन कग्नेटिव अबिलिटीज एक्वेशंस. हैल्प्स इन कग्नेटिव अबिलिटीज. जो ग्रहण है वो कग्नेटिव अबिलिटीज विच हैल्प नहीं करता. डी इसका राइट आंसर रहेगा. नैक्सट देखते हाँ, फ्रॉम द गिवन फैक्टर विच वन मे नॉट अफेक्टेड लर्निंग आउटकम्स. जो भी गिवन फैक्टर दिते गए हैं उन्हों जिहड़ा नोट अफेक्टेड ए लर्निंग आउटकम भाई वह कि देखते हाँ, लर्नरस मोटिवेशंस एंड
इंटरस्ट डेफिनेटली एक ये इफेक्ट लर्निंग आउटकम है। अपन नो वाल देखना नोट वाला स्ट्रक्चर्स एंड साइज ऑफ क्लासरूम डेफिनेटली इफेक्ट करेगा लर्निंग आउटकम नू। बी भी स्टेटमेंट सही है। टीचर्स पर्सनैलिटी एंड एल्टीट्यूड्स डेफिनेटली भी इफेक्ट करेगा लर्निंग नू आउटकम नू। पेरेंट्स और इनकम एंड स्टैचूस जिन्हों की माता पिता ज अपने माँ प्यो की कि इनकम है ज स्टेट से वो लर्निंग नू इफेक्ट नहीं करेगा। डी इसका करैक्ट आंसर रहेगा। नैक्सट देखते हाँ विच वन ऑफ द थ्योरी बेस्ड ऑन द हैबिट फॉरमेशंस से दैट ह्यूमन्स और एनी क्रिएचर्स गिव रिस्पोंस ड्यू टू स्टिमुलस और ह्यूमन्स लर्निंग ड्यू टू स्टिमुलस। कोई भी एक खेड़ी थ्योरी किस बेस से थ्योरी हुई कोई हैबिट फॉरमेशन करनी है पर आदत की फॉरमेशन करनी है से ह्यूमन सिंग एनी क्रिएचर रिस्पोंस ड्यू टू स्टिमुलस और ह्यूमन लर्निंग ड्यू टू स्टिमुलेट। कोई भी रिस्पोंस है वह किन के थ्रू होंगे स्टिमुलर उत्तेजक के थ्रू होंगे है वो किस थ्रू होंगे उसको कहोगे क्लासीकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासीकल कंडीशनिंग खास क्लासीकली अनुकूलन परिस्थिति के अनुसार ही उत्तेजक काम करता वो क्लासीकल कंडीशनिंग के थ्रू ही कि थ्योरी उस दे बेस्ड है जो कि पैवलव द्वारा दिती गई सी। तुसी इस थ्योरी नू प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ए इसका राइट आंसर रहेगा। नैक्सट देखते हाँ ए टीचर इज एक्सप्लेनिंग ए न्यू कंसैप्ट इन द क्लासरूम। एक टीचर अपने न्यू कंसैप्ट नू एक्सप्लेन करना चाहता क्लासरूम में। शोरे अनाउंस द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड कंसैप्ट। शी आलसो अंडरस्टैंड द कंसैप्ट विदाउट एनी डिफिकल्ट। शी इज ए गुड। कोई गर्ल्स है वो सब को मीनिंग्स और डिफिकल्ट वर्ड्स एंड कंसैप्ट बारे भी जानती है एंड अंडरस्टैंड द कंसैप्ट विदाउट एनी डिफिकल्ट। जो कंसैप्ट ने उन्हें अंडरस्टैंड कर दी बिना किसी समस्या के डिफिकल्ट दे। शी इज ए गुड वो किस विच गुड होगी उस किसी गुड कग्नेटिव एबिलिटी विच गुड होगी उसकी ज्ञान आत्मिक योग्यता विच वो चंगी होगी। मोटर स्किल्स हो नहीं सकता मोटर स्किल्स जो होंगे मसल ना रिलेटेड होंगे जो असं क्रियावां करते हाँ। रोट मैमरी नहीं हो सकता क्योंकि कंसैप्ट नाल आ गया डिफिकल्ट वर्ड्स नूं जानदी ते कंसैप्ट नूं जानदी ए रोट मैमरी ना करे क्रैमी नाल रिलेटेड हो नहीं सकता। वर्बल एबिलिटी नाल रिलेटिव नहीं हो सकता। बी इसका राइट आंसर रहेगा कग्नेटिव एबिलिटीज। नैक्सट देखते हाँ अकॉर्डिंग टू वागोस्की लर्निंग इज ए लर्निंग इन ए चाइल्ड और अडल्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू। अकॉर्डिंग टू वागोस्की सी सोशल अट्रैक्शन समाजिक अंतर क्रिया दे रही ही बच्चा सीखता है। ये वागोस्की द्वारा ले वागोस्की द्वारा थ्योरी दी गई सी। ये भी तुसी प्ले लिस्ट में जाके इसकी थ्योरी देख सकते हो। दूसरे भी ऑप्शन देख लें इनबोर्नबिलिटी इस बारे भी गल नहीं की गई। लेव गोस्की द्वारा उसने मेन फोकस सोशल अट्रैक्शन दिता कि साइंटिफिक एटीट्यूड भी नहीं हो सकता इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्टिमुलस भी नहीं हो सकता। सी इसका राइट आंसर रहेगा। नैक्सट देखते हाँ अकॉर्डिंग टू प्याजा लर्निंग्स अकर्स ड्यू टू। प्याजे के अनुसार लर्निंग किस तरह होती है इनबोर्न स्पीकिंग एबिलिटीज ये भी प्याजे द्वारा नहीं दी गई सी। स्टिमुलस रिकोंगेशंस ये भी नहीं दी गई सी। असिमिलेशंस एंड अडोप्टेशंस ये प्याजे द्वारा बेसिक अंजम्पशन दी गई सन। असिमिलेशन एंड अडोप्टेशंस सिमिलेशन आत्मिक एंड अडोप्टेशन संयोजन जो भी साढ़े सिमिलेशन अडोप्टेशन बारे भी बेसिक कंसैप्ट तुसी भर के मेरे चैनल पर देख सकते हो। इस नाल भी रिलेटेड वीडियो अपलोड की हुई है। प्याजे बेसिक कंसैप्ट बुनियादी अतारनावा सिमुलेशन बारे भी दस देते हैं। कुछ सिमुलेशन होंगे जो भी साढ़े को पहला साढ़े को एग्जिस्टिंग नॉलेज होंगी है माइंड में जो भी असं न्यू कंसैप्ट बनाते हाँ तो उस प्रीवियस नॉलेज असं उस असिमीलेट करते हाँ आत्मसमर्थ कर लेंगे हाँ। जो भी साढ़े को पहला इनफॉर्मेशन होंगी है
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਜੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਬੇਸਿਕ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਸਫਰਸ ਫਰੋਮ ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਫਰ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਏ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਬੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇਅਰ ਫੀਲਿੰਗ ਥਰੂ ਵਰਡਸ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹ ਕੀ ਏਬਲ ਜਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਰਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਵੋਕੈਬਲਰ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਵਾਚਿੰਗ ਮੂਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਵਕੈਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ। ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਏ ਸਮੋਲ ਚਾਈਲਡ ਵਰਡਸ ਆਰ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੂਲਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੂਲਸ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਇਹ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੀ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਟੀਚਰ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਸ਼ੋ ਏ ਰੀਅਲ ਓਬਜੈਕਟ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਾਸ ਆਊਟ ਇਟਸ ਨੇਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਓਬਜੈਕਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਲਰਨਰਸ ਟੂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਾਏ ਐਸੋਸੀਏਟਿੰਗ ਵਰਡਸ ਵਿਦ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਓਬਜੈਕਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੈਬ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਕਰ ਸਕਣ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਬੀ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਸੇ ਚਾਈਲਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਟ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ, ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਅੰਗੇਜਿੰਗ ਇਨ ਟਾਕਸ ਵਿਦ ਦ ਚਾਈਲਡਸ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਆਊਟ ਲਾਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰੋ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਆਊਟ ਲਾਊਡ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਰੀਡ ਕਰੋ, ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰ ਏ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਰਨਰਸ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਇਫ ਜੇਕਰ ਦ ਲਰਨਰ ਲਿਵਸ ਏ ਇਨ ਏ ਹੋਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਫ ਲਰਨਰਸ ਇਜ਼ ਏ ਹਾਈਅਰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਇਫ ਲਰਨਰਸ ਗੈਟਸ ਐਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਓਨਲੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਕਨਸ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਸਪੋਕਨ ਕਰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ ਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਡੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
नैक्सट देखते हैं ए चाइल्ड ऑफ सैकंड ए चाइल्ड ऑफ क्लास सैकंडस सैकंड क्लास है फॉर सिक्स वेरी सिक वेरी ऑफनस ही हैज़ टू बी एबसेंट फ्रॉम क्लास टू सिक मेडिकल एडवाइस गेन एंड गेन दिस प्रॉब्लम विल अफेक्ट हिज कोई सैकेंड क्लास का स्टूडेंट है वो मुआ अक्सर मुआ रहा है तो वह एबसेंट रहा है क्लास विचों मेडिकल एडवाइस दी गई उन्होंने गेन एंड गेन ठीक है कि दिस प्रॉब्लम अफेक्ट हिज ये किस वल अफेक्ट कर रही है ये लर्निंग लैंग्वेज नू अफेक्ट कर रही है इसका सी इसकी राइट ऑप्शन रहेगी। नैक्सट देखते हाँ जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 20th आरती सुखसैना ऑफ ए इंग्लिश टीचर ऑफ फिफ्थ क्लास ऑलवेज ट्राई दैट हर लर्नर शुड प्रोनाउंस द वर्ड करैक्टली एंड स्पेल इज करैक्टली विच एस्पेक्ट ऑफ वोकैबलरी डिवेलपमेंट शी ट्राई टू डिवेलप इन इज लर्नर कोई सैकेंड क्लास कोई सुखसैना इंग्लिश टीचर ये वो फस्ट फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट हमेशा ट्राई कर दी भी उन्होंने प्रोनाउंसिएशन की जाए बिल्कुल करैक्ट की जाए स्पैलिंग करैक्ट की जाए वो वोकैबलरी के कि एस्पैक्ट डिवेलप कर ट्राई कर रही है लर्नर बेस वो होंगे समेटिक समैटिक्स डिवेलप कर दी है समैटिक्स होंगे द मीनिंग्स ऑफ वर्ड न समैटिक कह दिया द मीनिंग्स ऑफ वर्ड इज समैटिक्स इसका ए ऑप्शन राइट रहेगी। फोनेटिक्स ये ध्वनियों की फोनेटिक्स कम ग्राफिक्स ग्राफिक्स है इस रिलेटड टॉप 25 वर्ड डिस्कस किए गए समैटिक मोरफोलोजीस सिंटैक्स तुसी वो प्लेलिस्ट में जाके तुसी वो देख सकते हो। इस तरह ये वीडियो खत्म होती है जिस विच टॉप 20 MCQ और पैडागोगी डिस्कस किए गए हैं जो कि आप लई बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नाउ देखते हाँ इस वीडियो का क्वेश्चन जो कि तुसी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। लैंग्वेज इक्वेशंस कैन बी ऑटोमैटिकली अटेंड दिस स्टेटमेंट इज अ फेवर्ड ये स्टेटमेंट कि लैंग्वेज भाषा ग्रहण ऑटोमैटिकली अटेंड हो जाती है ये स्टेटमेंट किस फेवर करती है ये तुसी ऑप्शन देनी है कि ऑप्शन तुसी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के देना होगा। ये वीडियो किस तरह लगी प्लीज़ लाइक करना तो कमेंट करके जरूर दसना तो नाल ही चैनल सबसक्राइब भी कर लेना तो प्रेस भी बैल आइकन कर लेना ता जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपू सब तो पहला मिल सके। तुसी कोई भी इनफॉर्मेशन लेनी चाहते हो तुसी साढ़े व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।